जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कुलदेवी माता महालक्ष्मी का जन आशीर्वाद रथ यात्रा पहुंचा जयनगर। सनातन धर्म के उद्गम स्थल और महाराज अग्रसेन की तपोस्थली अग्रोहा धाम से अग्रवंशियों की कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी का रथ बुधवार को देर शाम जयनगर के श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर पहुंचा। पटना से रथ लेकर चल रहे मोहनलाल सराफ, घनश्याम अग्रवाल, संतोष खेरीवाल, संतोष केडिया एवं विकास शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के उद्गम स्थल और महाराज अग्रसेन की तपोस्थली अग्रोहा धाम से अग्रवंशियों की कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी का रथ बुधवार की शाम जयनगर पहुंचा। यहां रथ के पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने माता की विशेष पूजा अर्चना की, उन्हें चुंदरी चढ़ाया, आरती कर फिर प्रसाद का वितरण हुआ। उन्होंने बताया कि माता का रथ विगत 20 मई से बिहार भ्रमण पर है। अग्रोहा धाम से चली कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी का कुल 18 रथ पूरे भारत के भ्रमण पर है। अग्रोहा में जहां महाराजा अग्रसेन जी ने 1100 दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, उस सिद्ध स्थल पर विश्व का सबसे बड़ा माता महालक्ष्मी जी का 108 फीट ऊंचा भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। रथयात्रा अग्रोहा के गौरवमय इतिहास को जन जन में प्रचारित कर रही है। माता के दर्शन पूजन और आरती कर सभी ने माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, मानवाड़ी युवा मंच एवं मानवाड़ी महिला मंच के सदस्यों के अलावे पशुपति सराफ, अनिल बैरोलिया, गोविंद बैरोलिया, जगदीश सराफ, रमेश सोनथालिया, अरुण जैन, संजय मुरारका, बालकृष्ण सिघांची, सोनू जोशी, रोहित मोर, कमल अग्रवाल एवं निखिल समेत अन्य मौजूद थे। ये रथ भ्रमण का उद्देश्य है, ये रथ भ्रमण तब हो रहा है जबकि हमारे अग्रवंशी प्रवर्तक और शिरोमणि अग्रसेन जी महाराज ने 1100 दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। ये तपस्या उन्होंने विजयादशमी के दिन शुरू की थी और दीपावली के दिन उनको महालक्ष्मी माता ने दर्शन दिया था और आशीर्वाद दिया था कि मैं अग्रवंशियों के साथ साथ रहूँगी जब तक सूरज छाप रहे। आज उसी स्थान पे माता का 108 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है, 108 किलो शुद्ध चांदी की प्रतिमा बन रही है और पूरे मंदिर निर्माण में एक कांटी और एक सरिया भी नहीं लग रहा है। ये मंदिर जो अयोध्या के आर्किटेक्ट हैं वही बना रहे हैं। इसको रथ का संचालन जो हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य है अपने अग्रवंशियों के बीच एकजुटता हो, प्रचार प्रसार हो, सारे समाज को एकत्रित कर सकें और प्रचार प्रसार अपने महालक्ष्मी जी का, अग्रसेन जी महाराज का कर सकें। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ मोहनलाल सराफ, पटना। हमारे अग्रवाल समाज जो है बहुत पिछड़े हो गए हैं, जो भी अग्रवाल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वही उद्देश्य हम लोग को कि अग्रवाल धाम जो है पूरे परिवार के साथ जाके वहाँ की महिमा, वहाँ का स्थान देखे। माँ लक्ष्मी जी की मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसको जाके अवश्य देखे, यही हम लोग का उद्देश्य है। यही पूरी भारत में पूरी भ्रमण कर रही है, उसी उद्देश्य हम लोग निकले हुए भ्रमण कर। क्या सुनना होगा सर? संतोष खिलवाड़। अग्रसेन जी के बारे में मैं बता दूं कि अग्रसेन जी हमारे राम जी के 35वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। और जो ये रथ लेकर चलेगा कि सब अपने जो चार जगह इकट्ठे जो अलग अलग हो गए सबको एक जगह इकट्ठा करने का उद्देश्य है। क्या नाम हो गया आपका? संतोष केडिया। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ ये आइए गोपाल भाई, और लाइट और पंखे का बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? क्या बताऊं भाई, लाइट और पंखे के कोई अच्छे मैन्युफैक्चरिंग वाले मिल ही नहीं रहे जो हाई क्वालिटी के लाइट और पंखे प्रोवाइड करें। अरे भाई, लगता है आपने MSL का नाम नहीं सुना है। ये MS Lights के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी के MSL ब्रांड की सभी प्रकार की लाइट्स और पंखे प्रोवाइड करते हैं, वो भी गारंटी और अच्छी क्वालिटी के साथ। इनके यहाँ अलग अलग डिजाइन के सीलिंग फैन, ऑल पर्पज फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, आयरन, साथ में रूम हीटर, वाटर रॉड भी बनाते हैं। मैंने भी मेरे दुकान में इन्हीं के पंखे और लाइट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर इनसे संपर्क कैसे हो? स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।